नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप पात्रा जी की। संदीप पात्रा जी कहते हैं कि दिल्ली में अप्रैल मई महीने में 34,750 लोगों की मौत हुई है दिल्ली के अंदर, और सिर्फ 9,916 लोगों को सरकार ने आके दिखाया हुआ है। मैं संदीप पात्रा जी से कहना चाहता हूँ, संदीप पात्रा जी, हर सरकार आपकी सरकार की तरह नहीं होती है। किसी व्यक्ति की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई हो और उसको आप कोरोना की रिपोर्ट दे दो, ये काम सिर्फ आपकी सरकार कर सकती है। आज मैं आपसे जानना चाहता हूं संदीप पात्रा जी, तो यूपी के अंदर जिस वक्त 1600 टीचरों की मौत हुई, 1627 टीचरों की मौत हुई थी पंचायत इलेक्शन में के दौरान, आपकी सरकार ने क्या कहा? 3 टीचरों की मौत हुई है। जब वो आप बताइए, क्या वो शिक्षक संगठन झूठ बोल रहा है जिसके अपने 1627 टीचरों को खो दिया? क्या वो माँ झूठ बोल रही है जिसने अपने बेटे खो दिए? क्या वो बहू झूठ बोल रही है जिसने अपने पति खो दिया? अब यूपी के अंदर सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है, देश में यूपी के क्या हालात है पूरा देश जानता है। 4 लाख से ज्यादा लोग यूपी के अंदर मर गए और आपकी सरकार कहती है सिर्फ 19,000 लोगों की पूरे उत्तर प्रदेश में डेथ हुई है। आपकी आपके सरकारी आंकड़े कहते हैं कि बनारस के अंदर पूरे दिन में 7 लोगों की मौत हुई है, और एक न्यूज चैनल के अनुसार एक घंटे में ही 13 से ज्यादा लोगों की डेड बॉडी उन्होंने जलते हुए देखा है। नहीं देखा संबित पत्रा जी, शायद आपको ना दिखाई दिया हो या आपकी सरकार उस पर ध्यान ना देती हो, आंख मूंद लेती हो। तो आइए पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। और यहाँ अगर आपकी नजर आगे 1 किलोमीटर तक कहीं जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ आपको लाशें दिखेंगी, वो भी पूरी तरह से अंतिम संस्कार की हुई नहीं, बल्कि ऐसे ही रेत में 1-2 फीट नीचे दबी हुई। और ये जो नजारा है, जो मंजर है, ये यहाँ से अगर नजर जहाँ तक जाती है वहाँ तक ऐसे ही देखने को मिल रहा है। जितने भी चमकते हुए कपड़े हैं वो लाशों के ऊपर ढके हुए कपड़े हैं अंतिम संस्कार के वक्त। अब मजबूरी थी किसी की, गरीबी के चलते या प्रशासन की लापरवाही, अनदेखी और दावों के फेल होने का नतीजा, यहाँ पर अगर मैं अंदाजे से बात करूँ तो 1000 लाशों से ऊपर डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार यहाँ पर ऐसे ही किया। तो ये थी संबित पात्रा जी, ये देखा आपने, बनारस में 3 किलोमीटर तक, बनारस चले जाओ, आजमगढ़ जाओ, कहीं भी चले जाइए आप, गंगा किनारे 3-3 किलोमीटर तक डेड बॉडीज का भंडार लगा पड़ता है, मट्टी के अंदर कुत्ते नोच रहे थे उन बॉडियों को। तब आपकी बातें कहाँ थी? तब आप कहाँ थे कि जिन पे जिनके खुद के घर कांच के होते हैं दूसरों पर उंगलियां नहीं उछाड़े उछाला करते संबित पात्रा जी? शायद आप और सारे लोगों की जिम्मेदार, सारे लोगों की मौत जो हुई है दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, कहीं भी, उसके जिम्मेदार आपकी सरकार है। कहाँ थे आप लोग जिस वक्त देश में ऑक्सीजन से राज्य हाहाकार ऑक्सीजन मत मांग रहे थे कि हाहाकार मचा हुआ था राज्यों में कि हमें ऑक्सीजन दो, लोगों की ऑक्सीजन के कारण जान जा रही थी? और आज बात करते हैं आपकी, दिल्ली सरकार ने आंकड़े छुपाए हैं। किसी भी सरकार के ऊपर कोई भी सरकार उंगली तब उठाई जाओ, अपनी गिरवान में आप जाग के देखिएगा। बात करते हैं आप कहते हैं कि देश में दिल्ली सरकार ने आंकड़े छुपा लिए, महाराष्ट्र सरकार ने आंकड़े छुपा लिए। जिस वक्त हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपको तमाचा मार रहा था, आपसे पूछ रहा था कि आप ऑक्सीजन कहीं से ला के दीजिएगा, तब आप कहाँ थे? जिस वक्त प्रयागराज में लाशें तैर रही थी नदियों में, तब आप कहाँ थे? जब आपकी गंगा में, जमुना में, बिहार, यूपी से लेके बिहार तक लाशें तैर रही थी, तब आप कहाँ थे? जब इन आम आदमी की लाशों को गंगा जी में खुले में कुत्ते नोच रहे थे, तब आप कहाँ थे? तब आप कहीं थे? पंचायत इलेक्शन के दौरान सैकड़ों टीचरों की मौत हो गई और आप कहते सिर्फ 3 टीचरों की मौत हुई है। वो दिल्ली सरकार का एक मुख्यमंत्री, आपको याद होना चाहिए कि दिल्ली सरकार के अंदर अगर कोई टीचर मरता है या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी कोरोना वॉरियर्स मरता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, दिल्ली सरकार उसको 1 करोड़ रुपए का देती है, साथ में मुआवजा नौकरी भी देती है। आपकी सरकार क्या करती है? आपकी सरकार से अगर बोला जाए कि हमारे शिक्षा संगठन के 1600 टीचर मरे, तो आप सिर्फ ये बोलते हैं कि 1600 नहीं, सिर्फ 3 टीचर मरे हैं। वो शिक्षक संगठन बोलता है कि उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए दो और नौकरी दो, लेकिन नहीं, आपने तो काउंटिंग ही खत्म कर दी। अरे 100 होता, 200 होता, समझ में होता, आपने तो 3 पे ला के रख दिया, तब आप कहाँ थे? बात करते हैं आप, देश में ऑक्सीजन की किल्लत थी, राज्य को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, देश को मैं बेड नहीं थे, हॉस्पिटल्स की मारामारी थी, आपकी सरकार को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ रही थी, तब आप कहाँ थे? तो आज भी लोग मर रहे हैं दबा के, आज भी आपके यहाँ सैकड़ों लोग मर रहे हैं, आज भी आपके यहाँ लोगों को शमशान नसीब नहीं हो रहा है। आप जी भी आपके उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को नदपुल से नदियों में फेंका जा रहा है, नहीं पता आपको? तो संबित पात्रा जी, पूरी बीजेपी पार्टी जी,
आप किसी सरकार पे उंगली मत उठाइए, अपने गिरेवान में झांक के देखिएगा। जब आपसे बात होती है कोरोना की तो आप लेते टूल किट, जब आपसे बात होती है कोरोना की तो आप लेते ट्विटर को, जब आपसे बात होती है कोरोना की तो आप लेते व्हाट्सएप को, आप सिर्फ यही करते हैं, आप कोरोना पे बात नहीं करते हैं। जब आपसे वैक्सीन के लिए बोला गया तो आपने राज्य के ऊपर थोप दिया कि आप खुद वैक्सीन लेके आओ। आप पे कोरोना के लिए कोई मुद्दा नहीं, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। इस लॉकडाउन फेज टू में 1 करोड़ से अधिक लोगों की नौकरियां गई हैं, उस पर आप लोग बात क्यों नहीं करते हैं? पूरे देश में जब लोगों की डेड बॉडीज को कफन नसीब नहीं हुआ, लकड़ियां नसीब नहीं हुई, उनकी डेड बॉडीज को कुत्ते नोच रहे थे, तब आप कहां थे? करोड़ों लोग बेघर हो गए, परिवार के परिवार खत्म हो गए, तब आप कहां थे? आज बात करते हैं आप दिल्ली सरकार की। संबित पात्रा जी, बयान थोड़े सोच समझ के दीजिएगा, पूरा देश सुनता। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों, आप सबका भी दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने सुना इतना, और इन सरकार को थोड़ा सा फर्क पड़े। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को जरूर, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें जिससे कि समाज जागरूक हो और हम सब जागरूक हों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।